हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंचायती राज जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य चुनाव को लेकर चुनाव प्रसार जोरों पर है। इन चुनावों में कई रंग देखने को मिल रहे हैं और प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। वहीं बाड़मेर ग्रामीण पंचायत समिति के वार्ड संख्या 19 से चुनाव लड़ रहे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मूली चौधरी की दादी सासुमा 80 बरस की उम्र में अपने पोते की बहू मूली चौधरी के लिए प्रचार में जुटी हुई है और लाठी के सहारे पैदल चलकर लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वोट मांग रही हैं। कॉलेज लाइफ में छात्र संघ चुनाव लड़कर छात्र संघ अध्यक्ष से राजनीति में कदम रखने वाली मूली चौधरी इस बार बाड़मेर ग्रामीण पंचायत समिति के वार्ड संख्या 19 से कांग्रेस प्रत्याशी की चुनाव लड़ रही हैं, जिसको लेकर अब वो लगातार अपने क्षेत्र में प्रचार में जुटी हुई हैं। साथ ही लोगों से विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 12वीं स्कूल के अभाव व पानी की किल्लत को दूर करने के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही मूली चौधरी बताती हैं कि वो अपने 2 माह के मासूम बेटे को घर पर छोड़कर दादी सासू माँ के साथ वो सुबह 9 बजे घर से निकलती हैं और रात को 10 बजे वो वापस घर आती हैं। चुनाव प्रचार में लोगों का बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। मेरे साथ मेरे चुनावी कैंपेन में मेरी दादी सासू माँ चलती हैं और वो मेरे लिए वोट मांगती हैं। लोग उन्हें प्यार और स्नेह देते हैं। जिंदगी के 8 दशक पार कर चुकी मूली चौधरी की दादी सासू सिगरती देवी बताती हैं कि उन्होंने कभी चुनाव में प्रचार नहीं किया, लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव में वो अपने पोते की बहू के लिए दिन रात एक कर लोगों के बीच जा रही हैं और उनसे वोट मांगकर पोते की बहू को जिताने की अपील कर रही हैं। एक बुजुर्ग महिला सिगरती देवी के महिलाओं से लेकर बुजुर्गों व युवाओं के बीच चुनाव प्रचार को देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबाता नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में जहां आज भी बच्चियों को पढ़ाना या घर से बाहर घूंघट में निकलना बड़ा कठिन होता है, ऐसे इलाके में वो पहले तो छात्र राजनीति में अपना परचम लहराया और उसके बाद कांग्रेस में महिला जिला अध्यक्ष के पद पर वर्तमान में काबिज हैं और अपने ससुराल में कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं और दादी सासू माँ स्टार प्रचार रूप में धुआंधार प्रचार कर रही हैं। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मूली चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी इन्होंने ये कहा। मैंने 2016 और 17 में गर्ल्स कॉलेज MBC से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था और फिर जीतने के बाद में मैंने जो भी बालिकाओं के संबंध में जो भी समस्याएं थी उसका समाधान किया और जो ग्रामीण इलाके की लड़कियां थी जो 12वीं करके छोड़ देती थी और उनको आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था और उनके बाद अभी पहले कॉलेज में जो स्थिति थी ना उससे अभी वो अच्छी स्थिति है और अभी बहुएं भी पढ़ रही है बहुत सारी अपने कॉलेज में। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सिगरती देवी 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला इन्होंने ये कहा। वो रहा जोर जोर जनता को नो तो हमें गाँव में हाथ है भाई वोट दो आज जोर कौन थाने गाँव करे जुगवार करे वो हरी खड़ी हुई है मुको ये भाई हाथ जोड़ जोड़ मैं तो वोट मांगा है दूसरे समय कह कहते आया बुढ़ा रहा तो दे कहते ये है भाई पानी के हमने कुंभर हो में बाप दो समझाए वो है कौन पानी ये पानी घने जे ये कौन पानी है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।